हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं 91 मोबाइल्स। मैं हूं शिवम चौधरी और फाइनली आज हमारे पास जियो फोन नेक्स्ट आ गया है, जिसकी अनबॉक्सिंग मैं आप सभी के साथ यहां पर शेयर करने वाला हूं और फिर इसके फीचर्स के बारे में हम यहां पर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए करते हैं बॉक्स को अनरैप। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर एक कवरिंग दी गई है, इसको मुझे यहाँ पर हटाना होगा और उसके बाद यहाँ पर ये बॉक्स होगा अनबॉक्स। देखिए, सबसे ऊपर आपको यहाँ पर जियो फोन नेक्स्ट मिल जाता है और जो कि रैप्ड है। इसको मुझे थोड़ा सा यहाँ पर साइड में प्लेस करना होगा, इस बॉक्स के ऊपर इसको यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। फिलहाल के लिए बॉक्स कंटेंट पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ऊपर कुछ डॉक्यूमेंटेशंस मिल जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ द गाइड एंड द सेकंड वन इज़ वारंटी इन्फॉर्मेशन। इसको राइट पर प्लेस कर देते हैं क्योंकि वारंटी हमेशा राइट होती है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर ये बैटरी मिल जाती है, यानी कि डिटैचेबल बैटरी है, अलग से आपको लगानी होगी। कैसे लगानी है वो हम आपको भी दिखाएंगे, फिलहाल के लिए बैटरी को इधर प्लेस कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये कुछ मिल जाता है, सिलिका जेल वगैरह, और यहाँ पर आपको मिलती है ये केबल विच इज़ USB टू माइक्रो USB, डेटा ट्रांसफ़र और चार्जिंग के लिए, दोनों के लिए काम आएगी। और यहाँ पर ये चार्जिंग अडेप्टर है, जियो की ब्रांडिंग ऊपर आपको मिल जाती है। बड़ा सा टिनी सा अडेप्टर यहाँ पर दिया गया है, 7.5 वॉट का ये है और फ़ोन को चार्जिंग में आपकी मदद करेगा। तो दोस्तों, ये है पूरा बॉक्स कंटेंट, आप देख सकते हैं। अब जल्दी से स्मार्टफोन पर आते हैं। चलिए फ़ोन को यहाँ पर अनरैप सबसे पहले कर लिया जाए, इसकी कवरिंग को हटाया जाए, देखिए जाए कि कैसा डिज़ाइन दिया गया है जियो फोन नेक्स्ट का। ये देखिए दोस्तों, वाओ, तो जियो फोन से तो बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर देखेंगे आपको डॉट्स यहाँ पर बैक कवर पर दिखाई दे रही होंगी, बीच में जियो का लोगो दिया गया है विच इज़ 2D, तो ये बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर फील कर सकते हैं आप इसको। ऊपर कैमरा प्लेसमेंट दी गई है, सिंगल कैमरा जिसके अंदर दिया गया है और उसके ऊपर माइक्रोफोन भी है दोस्तों। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर एक फ्लैशलाइट दी गई है और अगर हम फ़ोन के नीचे की तरफ यहाँ पर देखेंगे तो माइक्रो USB पोर्ट है और यहाँ पर भी एक माइक्रोफोन दिया गया है। नाइस। लेफ़्ट साइड देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर साफ़ रखिए, कुछ नहीं है। एंड राइट साइड पर आपको की प्लेसमेंट्स मिल जाती हैं, सबसे ऊपर वॉल्यूम रोकर की है और उसके नीचे पावर ऑन ऑफ की यहाँ पर दी गई है। टॉप पर 3.5mm का जैक दिया गया है और यहाँ पर जो है एक स्पेस है जिसके थ्रू आप ये जो बैक फ्लैप है इसको हटा सकते हैं और इसको हम हटा ही देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्पीकर आपको सबसे नीचे मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर सिम स्लॉट्स मिल जाते हैं और जो फर्स्ट सिम है इस पर आप सिम के साथ यहाँ पर माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं, जो सेकंड है यहाँ पर आपको दूसरा सिम लगा सकते हैं। खास बात यह है कि इन दोनों सिम में से आपको एक सिम यहाँ पर जियो सिम रखना ही होगा जिसके थ्रू आप इंटरनेट यूज़ कर पाएंगे। जी हाँ, इस स्मार्टफोन में आप केवल जियो सिम पर ही इंटरनेट यूज़ कर पाएंगे। जो दूसरा सिम होगा आप कोई भी टेलीकॉम प्रोवाइडर का ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग के लिए। आइए इसकी बैटरी को लगाते हैं और देखते हैं स्मार्टफोन के अंदर क्या है। चलिए फ़ोन को यहाँ पर ऑन करते हैं, देखते हैं कि कैसे इसको सेटअप किया जा सकता है, कैसा है प्रगति OS। तो यहाँ पर ऑन होते हैं सबसे पहले आपको जियो का रेड में लोगो मिल जाता है और अभी ऑन हो रहा है फ़ोन। बूट टाइम भी आप नोटिस कर सकते हैं इसका। तो वेलकम यहाँ पर हो गया है दोस्तों आप सभी का। और यहाँ पर 10 भारतीय भाषाएं पहले ही दे दी हैं, जो इसका एक मेन हाईलाइट फीचर भी है। इसके बाद लिखा आता है जियो फोन नेक्स्ट क्रिएटेड विद गूगल। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता, रिलायंस जियो प्लस गूगल का एक कोलैबोरेशन यह है, प्रगति OS यहाँ पर आ जाता है। फाइनली फ़ोन ऑन हो चुका है, इसको सेटअप करते हैं। सो दोस्तों, फाइनली फ़ोन जो है वो सेटअप हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसके डिस्प्ले की बात करते हैं। यहाँ पर आपको 5.45 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, HD+ डिस्प्ले है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन यहाँ पर आपको मिल जाती है और एंटी फिंगरप्रिंट की कोटिंग भी इस पर आती है। आप डिस्प्ले को देखेंगे, ऊपर और नीचे की तरफ यहाँ पर थोड़े से प्रॉड बेजल दिए गए हैं और यहाँ पर आपको कैमरा भी है, लेफ्ट साइड में ऊपर दिया गया है, बीच में जो है ईयर पीस स्पीकर दिया गया है। साइड बेजल्स की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो ऊपर और नीचे जो बेजल दिए गए हैं उनके कंपैरेटिवली ये थोड़े से यहाँ पर थिन है। अब फ़ोन की अगर हम परफॉर्मेंस की यहाँ पर बात करें तो सेटिंग्स में चलते हैं और इसके प्रोसेसर के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो स्मार्टफोन है दोस्तों, ये चलता है क्वालकॉम 215 प्रोसेसर पर, क्वाड कोर ये प्रोसेसर है और इसकी क्लॉक स्पीड है अप टू 1.3 GHz। अगर मैं इसके यहाँ पर OS की बात करूँ तो वैसे तो आप सभी जान ही चुके हैं इसमें प्रगति OS दिया गया है। इसके फीचर्स के बारे में थोड़ी सी देर में हम डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल इसकी स्टोरेज पर मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो स्टोरेज ऑप्शन मिलता है वो है 2GB रैम प्लस 32GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज और इसको आप 512GB तक एक्सपेंड भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नाउ बैटरी पर हम आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फिलहाल 55% चार्ज है लेकिन बैटरी जो है इसकी वो 3500mAh की है और जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, 7.5 वॉट का इसके साथ चार्जर आता है जिसकी मदद से आप इसको माइक्रो USB पोर्ट के थ्रू चार्ज कर पाएंगे। और अगर हम इसके कनेक्टिविटी फीचर्स की यहाँ पर बात करें दोस्तों, तो स्मार्टफोन में आपको वाईफाई मिलता है, सिंगल बैंड वाईफाई ये है। आइए देख भी लेते हैं,
ये रहा वाईफाई। इसके अलावा डुअल सिम है, ये 4G फ़ोन है, यहाँ पर केवल जियो के सिम से आप इसमें इंटरनेट चला पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर ब्लूटूथ 4.1 मिलता है और यहाँ पर आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलता है और ऊपर की तरफ यहाँ पर 3.5 mm का जैक दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक्सेलेरोमीटर, लाइट सेंसर एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये तीनों सेंसर स्मार्टफोन्स के अंदर मिल जाते हैं। नाउ कम्स टू कैमरा, तो बैक साइड में यहाँ पर सिंगल कैमरा दिया गया है, 13 मेगापिक्सल का है, लिखा भी है यहाँ पर, और फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, चलिए अब प्रगति ओएस के कुछ जो फीचर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस फ़ोन से आप बातें कर सकते हैं। जी हाँ, बातें कैसे कर सकते हैं, आइए दिखाता हूँ। नमस्ते, देखिए आपसे आपकी भाषा में ही बात करेगा आपका जियो फोन नेक्स्ट। इसके अलावा यहाँ पर एक फीचर है जिससे आप किसी भी लैंग्वेज को 10 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक फ़ोटो क्लिक करना है, इसके बाद सारा काम आपका फ़ोन करेगा। आइए एक डेमो इसका भी यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है विद लव फ्रॉम जियो। अब मैं इसका फ़ोटो यहाँ पर क्लिक करूँगा, क्योंकि फ़ोन आपको साथ साथ बताता भी है, इन केस आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो फ़ोन आपको बता देगा। अब इसको ट्रांसलेट पर यहाँ पर आपको टैप करना है और यहाँ पर जो पूरी 10 लैंग्वेजेस हैं उनका ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। मैं इसको हिंदी में करना चाहता हूँ, तो देखिए ये हिंदी में यहाँ पर ट्रांसलेट हो गया है, आप देख सकते हैं। मैं स्क्रीन पर जूम भी कर रहा हूँ और यहाँ पर लिखा है प्यार से जियो की ओर से। और अगर आप इसको सुनना चाहते हैं तो आपको केवल यहाँ पर लिसन पर टैप करना है, तो देखिए ये तीन फीचर्स हैं जो काफ़ी कमाल के हैं। जियो भी इनको हाईलाइट कर रहा है और ये इस सेगमेंट के फ़ोन में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। अब कैमरा पार्ट की बात करते हैं। सो दोस्तों, वैसे तो मैंने इस फ़ोन को सेटअप कर लिया है, लेकिन यहाँ पर कुछ आपको प्री इंस्टॉल्ड ऐप भी मिल जाती हैं, बड़ी कमाल की प्री इंस्टॉल्ड ऐप हैं, जैसे कि आपको गूगल की सारी ऐप्स यहाँ पर मिल जाती हैं। इसके अलावा जियो की आपको ज़्यादातर सारी ऐप्स यहाँ पर मिल जाती हैं, जियो गेम्स, जियो टीवी लाइट, जियो सिनेमा, जियो सावन, जियो मार्ट एंड जियो मीट। इसके अलावा माई जियो मिल जाता है, जिसके ज़रिए आप अपना सब्सक्रिप्शन यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। प्ले स्टोर तो ऑफकोर्स है ही, एंड्रॉयड स्मार्टफोन ये है। और यहाँ पर आपको फेसबुक लाइट, इंस्टाग्राम, इस तरह की ऐप्स भी और व्हाट्सएप, ये ऐप्स भी यहाँ पर आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाती हैं, कुछ इंस्टॉल आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी। कैमरा की बात हम कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर कैमरा को आप एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली होम पेज से। यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है दोस्तों, तो देखिए आप ये एक बजट या फिर मैं कहूँ लो बजट सेगमेंट फ़ोन है, एंट्री लेवल स्मार्टफोन है और यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है। इसके अलावा फोटो मोड मिल जाता है, वीडियो मोड भी यहाँ पर मिल जाता है। और वीडियो की हम सेटिंग्स में यहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे फ्लैश का ऑप्शन है यहाँ पर और ग्रिड का है, रेजोल्यूशन वगैरह का एक्सेस आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है और ट्रांसलेट का ऑप्शन आपको यहाँ से भी मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम इट, जल्दी से एक फ़ोटो क्लिक करता हूँ मैं बॉक्स की और आपको दिखाता हूँ। चलिए सबसे पहले तो रियर कैमरा से कुछ ऐसा रिजल्ट आपको जियो फोन नेक्स्ट से मिलने वाला है दोस्तों, देख सकते हैं आप। और अगर हम बात करें यहाँ पर सेल्फी कैमरा की, तो जी देखिए आप सेल्फी को ऐसे यहाँ से टर्न कर सकते हैं अपनी और फोटो ले सकते हैं, अपनी बढ़िया बढ़िया सेल्फीज भी इससे क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं आप सेल्फीज वगैरह। तो दोस्तों ये थी जियो फोन नेक्स्ट की अनबॉक्सिंग, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। और इसी तरह की मजेदार टेक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए 91 मोबाइल्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।